हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डेली करंट अफेयर से रिलेटेड बात करेंगे। तो 7 फरवरी 2023 को जो आपका करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन और साथ ही साथ जो पुराना करंट अफेयर का रिविजन रहेगा, हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा कल का क्विज था, जो लास्ट डे का आपसे क्विज का क्वेश्चन पूछा गया था, पहले उसका आंसर देख लेते हैं। तो लास्ट डे आपसे क्विज का क्वेश्चन पूछा गया था, निसार इज ए जॉइंट सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इसरो एंड होम। तो निसार इसरो और किसके द्वारा विकसित एक संयुक्त उपग्रह रहेगा? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था हमारा नासा। नासा सभी स्टूडेंट्स के द्वारा करेक्ट आंसर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में सबने करेक्ट आंसर दिया था। नासा और इसरो ने मिलकर इन दोनों का एक जॉइंट सैटेलाइट डेवलप करी है इन्होंने, जिसका नाम है निसार। ऐसे ही आज की इस वीडियो में एंड में आपको एक जो हमारा क्विज का क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कराया गया है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसरो प्लान्स टू डेवलप एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल विद विच IIT। तो इसरो क्या है? इसरो ने इसरो की अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने की योजना है, जिसके साथ IIT। तो कौन सी IIT है जिसके साथ मिलके इसरो अपना एक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है ये आपका डेवलप कर रहा है। इसमें हिंदी का जो पोर्शन है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसमें आपको बस ये बताना है कि कौन सी IIT के साथ मिलके इंडिया इसरो जो है वो प्लान कर रहा है डेवलप करने का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल को। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। तो इसरो और IIT मद्रास ये दोनों मिलके आपका डेवलप कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल को। अब अगर बात करी जाए रिवीजन की, तो रिवीजन यहां पे करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इंडिया हज कोटा 2023 का फिक्स कर दिया गया है 1,75,025 पीपल के लिए। जी किशन रेड्डी रहेंगे जो कि टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में इंडिया के, इनके द्वारा लॉन्च किया गया विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव को। कलिंग लिटरेसी फेस्टिवल आपका स्टार्ट हुआ है फरवरी 2023 में भुवनेश्वर में। नागालैंड के द्वारा साइन किया गया एक MOU पतंजलि फूड लिमिटेड के साथ पाल्म ऑयल कल्टीवेशन के लिए। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस करी गई है एक स्कीम जिसका नाम है लाडली बहना स्कीम। अकॉर्डिंग टू द बजट 2023 2.40 लाख करोड़ हैज बीन एलोकेटेड टू इंडियन रेलवेज। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भोपाल की एक जगह रहेगी इस्लाम नगर विलेज, उसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। एकनाथ शिंदे जो कि प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने स्टेट सॉन्ग महाराष्ट्र का डिक्लेयर किया है जय जय महाराष्ट्र माझा को। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो ब्रिटिश मोनार्ची है वो उसको खत्म करेंगे अपने बैंक नोट से। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो महिला जनांग विकृत 2023 के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 फरवरी। तो 6 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 2023 का। अब अगर डेज की बात करी जाए तो डेज को पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो नेशनल स्टार्टअप डे हमने सेलिब्रेट किया 16 फरवरी को। 18th नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स डे ऑब्जर्व किया गया, सेलिब्रेट किया गया 19 जनवरी को। पराक्रम दिवस हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 23 जनवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन होता है 24 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 जनवरी को। रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। वर्ल्ड लेप्रोसी डे होता है 29 जनवरी को। फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 31 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी के बीच में आपकी ऑब्जर्व करी जाती है। वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को। और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी आपका ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 4 फरवरी को। तो ये डेज जो होते हैं उससे रिलेटेड रिवीजन का पार्ट रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ईबुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये ईबुक इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें 19+ ऐसे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। CHSL का जिनका भी एग्जाम है उसकी डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, 9 मार्च से आपके एग्जाम है CHSL के आपका, उसके बाद अप्रैल में आपका MTS का एग्जाम होगा, फिर आपका CGL का एग्जाम भी होगा, रेलवे के एग्जाम्स भी होंगे। तो 2023 में जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए ये ईबुक काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। ये ईबुक आपको अवेलेबल कराई जा रही है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी gmail ID है, आप इस पर डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन रेलवेज लॉन्चेस व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी नेम्ड। तो भारतीय रेलवे ने नाम से व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है, तो किस नाम से करी है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ZOOP। तो भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवेज ने ZOOP नाम से एक व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी है जो कि अभी हाल ही में स्टार्ट करी है। अगला क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड विद द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पैगी मोहन रहेंगे, ऑथर रहेंगे जिनको सम्मानित किया गया है आपका मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से। अगर रिवीजन की बात करी जाए तो वेदांता प्लान टेक ने फॉक्सकॉन के साथ टाइप किया है, इन दोनों ने STM जो है उनके साथ टाइप किया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया में। अल्केश कुमार शर्मा रहेंगे, सेक्रेटरी हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज और ड्रिल को। परवेज मुशर्रफ रहेंगे जो कि फॉर्मर जनरल हैं और प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, इनकी डेथ हो गई है 79 ईयर्स की एज में दुबई में। लेजेंडरी तेलुगु फिल्म मेकर हैं के विश्वनाथ, इनका भी निधन हो गया 92 ईयर्स की एज में। नोटेड राइटर थे आपके KV त्रिमुलेश, इनकी भी डेथ हो गई है 82 ईयर्स की एज में हैदराबाद में। सर्बानंद सोनोवाल हैं, इन्होंने इनोग्रेट किया नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल को। मनमोहन सिंह जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, किसके द्वारा, तो इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल हुआ आपका 2023 का, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में। मुलायम सिंह यादव जो कि फॉर्मर आपके चीफ मिनिस्टर रहेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट के, इनको सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण 2023 अवार्ड से, पद्म विभूषण इनको मिला है 2023 का। अगला क्वेश्चन है, हु वन द 12th एडिशन ऑफ द नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ऑफ मैन 2023। तो पुरुषों की राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का 12वां संस्करण किसने जीता, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा जीता गया है आपका। क्या जीता गया है, अनीश दयाल सिंह जो है वो आपके प्रेजेंट टाइम में हेड रहेंगे। इन्होंने जो 12वां एडिशन हुआ है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का पुरुषों का 2023 का, उसको जीत लिया है। इसमें रनरअप कौन रहा, तो इसमें लद्दाख स्काउट्स जो है ये आपके रनरअप रहे हैं। पद्म भूषण अवार्डी वानी जयराम पासिस अवे, शी इज अ लेजेंडरी। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता वानी जयराम का निधन हो गया, वह एक महानायक हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, किस चीज की एक लेजेंडरी पर्सन रहेंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंगर। तो एक लेजेंडरी सिंगर है हमारी इंडिया की, जिनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि इंडिया का 3rd नंबर का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सबसे बड़ा ऑनर है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, और फिर रहता है हमारा पद्मश्री। तो पद्म भूषण मिला है वानी जयराम को, मिल चुका है, तो इनका हाल ही में, तो इनको ये जो है किससे रिलेटेड है, हमारी अपनी सिंगर से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड हो जाएगा, इनकी हाल ही में जो है निधन हो चुका है, इनकी डेथ हो गई है। रिविजन की यहां पर बात करेंगे तो यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल पॉइंट से रिलेटेड जो भी रिवीजन बनता है उसको कवर करेंगे। गूगल के द्वारा इन्वेस्ट किया गया $300 मिलियन को AI स्टार्टअप रहेगा एंथ्रोपिक, उसमें नासा और IBM दोनों ने पार्टनरशिप करी है बनाने के लिए AI फाउंडेशन मॉडल को, जिससे कि एडवांस किया जा सके क्लाइमेट साइंस को। साउदी अरेबिया होस्ट करेगा फुटबॉल का 2027 में एशियन कप। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है गांधी सी फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 में, यह आपका स्टार्ट हुआ मध्य प्रदेश स्टेट में।
आजाद इंजीनियरिंग के द्वारा भारत का पहला ये रहेंगे जो कि सप्लाई कर रहे हैं पार्ट्स किसके, न्यूक्लियर टर्बाइन के। वी के पांडियन को सम्मानित किया गया है FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से। इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन रहेगी जो कि आपकी हेरिटेज रूट पे रन करेगी दिसंबर 2023 से पहले। और टोटल कितने रूट्स रहेंगे, तो 8 टोटल हेरिटेज रूट्स रहेंगे जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन और जो इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं उनको रन किया जाएगा। इंडिया को इनवाइट किया गया है मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में 2025 में। कांगो एक कंट्री रहेगी जिसने हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को आपका 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड रहेगा। सिद्धार्थ शर्मा रहेंगे जो कि नए CEO हैं आपके टाटा ट्रस्ट के। फिर अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, हु इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर विद अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%। तो कौन 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। तो इसमें जो आंसर है वो आप सबको पता ही होगा, हर बार काफी लंबे टाइम से सेम पर्सन जो है वो वर्ल्ड्स के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। क्या नाम है उनका, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के, दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं और इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो रही है 78%। अब यहाँ पे हम टोटल बात करते हैं, तो अगर बात करी जाए आप यहां पे इमेज के थ्रू समझ सकते हैं ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ये जो है ये जारी करी गई है जिसमें पहली रैंक आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है, 78% इनकी अप्रूवल रेटिंग है। लेफ्ट में आपको डिटेल भी प्रोवाइड कराई गई है, पहली रैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है 78% के साथ। फिर आप देखेंगे 68% के साथ यहां पे मैक्सिको लिखा हुआ है, मैक्सिको कंट्री के रहेंगे। तो सेकंड रैंक रही है मैक्सिको के प्रेसिडेंट एड्रेस मैनुअल लोपेस की, तो ये आप देख सकते हैं 68% इनकी रेटिंग रही है अप्रूवल रेटिंग। फिर तीसरे नंबर पे आपके 62% के साथ स्विट्जरलैंड के पर्सन रहेंगे, तो जिन कौन है रहेंगे, तो स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं एलन बर्सेट, इनकी थर्ड रैंक रही है। चौथे नंबर पे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनिस, अगर इनकी बात करी जाए तो इनकी 58% रेटिंग रही है, ऑस्ट्रेलिया के रहेंगे। फिर पांचवें नंबर पे इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, अगर इनकी बात करी जाए तो इटली की जो है इनकी 52% रेटिंग रही है। फिर छठे नंबर पे आपके ब्राजील के आते हैं प्रेसिडेंट लूज इनासियो लूला दा सिल्वा, तो ये आपके इनकी 50% रेटिंग रही है, ब्राजील के ये आपके रहेंगे। और सातवें नंबर पे आपके जो बाइडन रहेंगे, यूएसए के प्रेसिडेंट हैं 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ। तो इंडिया के जो लीडर रहेंगे आपके, इनकी काफी बढ़िया अप्रूवल रेटिंग रही है 78% की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शमिका रवि जो है इनको अपॉइंट किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के मेंबर के रूप में। इंडिया फ्रांस एंड विच कंट्री एस्टेब्लिश्ड ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव इन फील्ड इंक्लूडिंग एनर्जी डिफेंस एंड इकोनॉमी, तो भारत फ्रांस और किस देश ने ऊर्जा रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल की स्थापना की है, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इंडिया फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये तीनों कंट्रीज मिलके इन्होंने एक ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव इस्टेब्लिश किया है जिसमें ये किस चीज़ पे काम करेंगे, तो एनर्जी पे, डिफेंस में और इकोनॉमी पे, ये तीन फील्ड्स में काम किया जाएगा इन तीनों कंट्रीज के द्वारा मिलके। फिर अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वन दी इनॉग्रल चैंपियनशिप ऑफ नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप, तो किस राज्य ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का उद्घाटन चैंपियनशिप जीती, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला के द्वारा जीत लिया गया है, पहला ही हुआ है आपका नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप और पहली जीती गई है केरला के द्वारा। दीपा कर्माकर हैंडेड 21-month बैन आफ्टर फेलिंग डोप टेस्ट इज आ, तो डोप टेस्ट में फेल होने के बाद दीपा कर्माकर पर 21 महीने का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है, किस चीज से रिलेटेड है ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिमनास्ट रहेंगी एक दीपा कर्माकर, जिनका जो डोप टेस्ट है वो फेल हो चुका है, 21 मंथ के लिए इन पे जो है बैन लगा दिया गया है।
विच एल्बम वन द एल्बम ऑफ द ईयर इन 65th ग्रैमी अवार्ड, तो किस एल्बम ने 65th ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर जीता, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैरी स्टाइल्स, हैरी स्टाइल के हैरीज हाउस ने जो एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड का वो जीत लिया है। अब जो 65th ग्रैमी अवार्ड है इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को यहां पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की कैटेगरी में लीजो के द्वारा जीता गया, एल्बम ऑफ द ईयर रहा है आपका हैरी स्टाइल हैरी हाउस का, सॉन्ग ऑफ द ईयर रहा है लीजो का अबाउट डैम टाइम, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है समारो जो, बेस्ट डांस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग रही है बियॉन्से की ब्रेक माय सोल, बेस्ट रॉक सॉन्ग रहा है ब्रैंडी कार्लिल का ब्रोक हॉर्सेस। तो ये आपके क्वेश्चन हैं जो कि 65th ग्रैमी अवार्ड से हो सकता है आपको आगे कहीं देखने को मिल जाएं। अब आज की जो हमारी ये वीडियो रहेगी इसका जो क्विज का क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। आज का क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड द विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव, तो विजय इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसको आपको टाइप कर देना है। पहले ही क्वेश्चन में जो रिवीजन का पार्ट था उसमें हमने इस क्वेश्चन को भी कवर किया था, तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, वरना इसी वीडियो को आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो पहले क्वेश्चन के रिवीजन वाले पार्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, वो देख के भी आप टाइप कर सकते हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।